हेलो, ठीक है, आवाज आ रही होगी? आवाज आ रही होगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन संख्या फाइव की तरफ बढ़ेंगे। सही सुमेलित करना है, औषध और उपयोग, औषध उपयोग। क्वेश्चन संख्या पांच, पांच का जी है। चलिए देखते हैं, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, आपको पता है स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है मेरे बच्चों? एंटीबायोटिक है, ये है आपका एंटीबायोटिक, ठीक। तो ए वाला, ए का फोर सही है, तो आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बी का थ्री सही है, आयोडीन एंटीसेप्टिक, एंड वन सी का एस्पिरिन एंटपायरेटिस ऑफ फिटकरी हिमोस्टिक, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन संख्या जो है पांच का डी सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक। सिक्स नंबर पे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, एक तरफ फसल है, एक तरफ मुख्य फसल की बुआई का समय है। अच्छा, फसल और फसलों की बुआई का समय, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर जरूर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है यहां से मेरे बच्चों। सिक्स नंबर देख लीजिए, सिक्स नंबर क्या क्या सही है देखिए। मूली का बुआई का समय है सितंबर से जनवरी, सितंबर से जनवरी, ठीक है, ध्यान रखना। इस समय मूली जो है आ रही है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए। अच्छा, गाजर, अब ए का टू हो गया, तो ए का टू कहाँ है? ये बी वाला, यस बी वाला राइट हो जाएगा। और बी का गाजर अगस्त सितंबर है, सी का सलजम जुलाई दिसंबर है, और चुकंदर का अक्टूबर और नवंबर है। चलिए, सेवन नंबर, सेवन नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे बच्चों, सेवन नंबर देख लीजिए। देखिए, लिखा है फसल एक तरफ, एक तरफ मैदानों में बुवाई व रोपाई का समय, फिर वही फसल और बुआई का समय। इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूं, ठीक है जी। देखिए, इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन संख्या सात। अब सात का देखते हैं क्या सही है, ठीक है, देखिएगा। तो प्याज मध्य दिसंबर और जनवरी के मध्य जो है इसका बुआई का समय है, इक्यावन। तो इक्यावन सिर्फ ए में है, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी का थ्री है, फरवरी, और सी का लहसुन सितंबर से अक्टूबर, तरबूज मध्य फरवरी मध्य मार्च में जो है ये बोया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एट नंबर पे। एट नंबर पे क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया सा है। खस का वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे बच्चों? खस का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको आपको बताना है। सोरालिया, कैरिफोलिया, ग्लाइकोराइजा लेब्रा, कास्टस एस्पियोसस, वेरवेरिया, जिजनाइडस। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और एट नंबर है। एट नंबर का जो क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही वो है डी। खस का जो वैज्ञानिक नाम है, वेटिवेरिया जिजनाइडस, जिजनाइडस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या नौ। क्वेश्चन संख्या नौ क्या कहता है? पीने योग्य जल की कठोरता की रेंज तय की गई है, ठीक है। पीने योग्य जो जल आप पीते हैं, उसकी जल की कठोरता की रेंज निर्धारित किया गया है। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए क्या है। तो इसकी रेंज जो है वो मेरे बच्चों है 100 से 150 ppm। डी वाला ऑप्शन राइट है, 100 से 150 ppm, डी वाला इसका राइट आंसर है। टेन नंबर की तरफ बढ़ते हैं, समय को आपको ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। टेन नंबर में क्या है देखिए, टेन नंबर क्या कहता है, टेन नंबर कहता है कच्चे दूध में साइकोट्रोपिक प्रकार के मुख्य जीव समूह है। कौन सा है? बेसिलस स्पीसीज है, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज है, या स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज है, या स्यूडोमोनास स्पीसीज है, या स्ट्रोफाइलोकोकस स्पीसीज है। क्वेश्चन संख्या 10। तो 10 का मेरे बच्चों जो सही है वो सही है सी, स्यूडोमोनास स्पीसीज। क्या है? स्यूडोमोनास स्पीसीज है मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन संख्या आते हैं 11 पे। क्वेश्चन संख्या 11 पे आते हैं, और बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे बच्चों, देख लीजिए। ये प्रश्न आप सभी को आता होगा। प्रमुख जो है सुमेलित करना है वैज्ञानिक नाम पशुओं का, गाय भैंस भेड़ बकरी के पशुओं का वैज्ञानिक नाम आपको आता होगा, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक जानकारी है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। गाय, गाय का जो हहिया बहुत 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 सरल है, ठीक। गाय का वैज्ञानिक नाम, भेड़ का, बकरी का, ठीक है, बुबलेस बुबलेस, कॉपर हिरकस, बॉस एंडिकस, ओवियस एरिस, ठीक है।
तो 11 नंबर, ठीक 11 का देखते हैं क्या सही है। 3 गाय का है बॉस इंडिकस, भैंस का बुबलेस बुबलेस, ठीक है, फिर इसके बाद भेड़ का ओवेस एरिस और बकरी का कॉपरा हिरकस। ये इसका जो है जंतु वैज्ञानिक नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक चीज बता दें, एग्रीकल्चर टीए के लिए एकमात्र चैनल है जो आपके लिए सदा तत्पर है और आपको जॉब दिला के रहेगा, वो है स्टडी विद नीरज सर चैनल, जो आपके लिए हमेशा 24 घंटे जो है खड़ा रहता है। बहुत से बच्चे हमारे पास जुड़े हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना विश्वास करते हैं। आप लोग का कोर्स अभी लॉन्च भी नहीं हुआ था तब पर भी हमारे कम से कम 150 बच्चों ने उसमें प्रवेश लिया और लगभग 130 के आसपास हमने उसमें क्लासे प्रोवाइड की हैं, ठीक है। और विजयपट 2.0 भी बैच जो है हमने लॉन्च कर दिया है, अभी एडमिशन चल रहे हैं, आप चाहें तो अभी 749 में एडमिशन करा सकते हैं, फिर ये फीस आपकी 1499 हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 12, देख लीजिए। निम्न में से किस में पित्ताशय गॉल ब्लैडर अनुपस्थित होता है, मवेशी भैंस भेड़ घोड़ा। इसमें गॉल ब्लैडर अब्सेंट होता है, ठीक है, किसमें अब्सेंट होता है 12 नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। घोड़े में जो है ये गॉल ब्लैडर नहीं होता है, अब्सेंट होता है, तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, बायोगैस का मेरे बच्चों मुख्य घटक क्या है इसको आपको बताना है। चलिए बताइए, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, क्वेश्चन संख्या 13, ठीक है। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। अब आपको पता है CH4 होता है मीथेन का, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14, क्वेश्चन संख्या 14 देखिए, राज्य के देख लीजिए, राज्य के राज्य भारत के राज्यों में जिनमें गौ वध की अनुमति मिलती है। भैया गौ वध की अनुमति मिलती है, भैया देख लो, गौ वध की अनुमति सिर्फ 2 राज्यों में मिलती है, वो है केरल और पश्चिमी बंगाल मेरे बच्चों, ठीक है, इसमें जो है गौ वध की अनुमति मिलती है। चलिए 15 नंबर पर देख लीजिए, 15 नंबर है माइटोटिक कोशिका विभाजन में अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है। देखो मियासिस एक होता है, एक माइटोसिस होता है, ठीक है, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन आपको साइंस का है, साइंस से क्वेश्चन जो है आपको बराबर बराबर पूछे जाते हैं। तो इसका जो है माइटोटिक कोशिका सेल डिवीजन की अवस्थाओं का जो है अनुक्रम क्या है, तो इंटरफेस पहला होता है मेरे बच्चों, पहला होता है आपका इंटरफेस, ठीक है, ध्यान रखना, पहला होता है इंटरफेस, फिर होता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, ठीक है, ध्यान रखना, मैट, आईपी मैट, आईपी मैट, ऐसे करके ध्यान रखो, आईपी मैट, ठीक है। इस प्रकार का जो है ये 15 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आते हैं दोस्तों। धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ेगी, अब बहुत मास्टर वीडियो हमने भी डाले हैं, कम से कम 500 प्रश्नों के मास्टर वीडियो पड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप जाइए उनको पढ़िए, पूरे पूरे चैप्टरों को मैंने खत्म किया है मास्टर वीडियो के द्वारा, आप वहां जाके पढ़िए और देख लीजिए। ये चैनल आपके लिए 2017 से कार्यरत है, लोगों को बताया गया है कि भैया एग्रीकल्चर वाले बच्चों को बताया गया है कि AGTE कुछ होता है, किसी को पहले नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, 70 लोगों का सिलेक्शन हमने दिया है, ठीक है, और इस बार मैं 500 लोगों का सिलेक्शन भी करवाऊंगा मेरे बच्चों, विश्वास करिए। AGTE अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको स्टडी विद नीरज सर चैनल पे आना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाकी चैनल बहुत हो गए हैं दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे डेली आपको वीडियो मिले। कुछ दिनों के बाद हम लाइव वीडियो आपको पढ़ाएंगे, जैसा कि अभी क्लासेस चल रही थी वैसे कंटिन्यू हम आपको क्लासेस करवाएंगे, और RO की क्लासेस भी YouTube पर प्रारंभ होने वाली है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे।